तो हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे फ्री फायर एप्लीकेशन को डाउनलोड कैसे करते हैं। जी हाँ फ्रेंड, यदि आप भी फ्री फायर गेम खेलना चाहते हैं तो फ्रेंड सबसे पहले आपको फ्री फायर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, तब जाके फ्रेंड आप जो है फ्री फायर गेम खेल सकते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर में। जी हाँ फ्रेंड, गूगल प्ले स्टोर आपको ओपन करना है। ओपन करके यहाँ कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर फ्रेंड आपको सर्च में लिखना है फ्री फायर। फ्री फायर लिख के फ्रेंड आपको सर्च कर देना। सर्च करते ही फिर आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर फ्रेंड आप देख सकते हैं फ्री फायर एप्लीकेशन आ चुका है और फ्रेंड यहाँ पर जो है फ्रेंड प्ले का ऑप्शन आ रहा है मेरा, क्योंकि फ्रेंड मैं पहले से ही फ्रेंड इस एप्लीकेशन को जो है फ्रेंड डाउनलोड करके रखा हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पर जो है फ्रेंड आपको प्ले का जगह में इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। फ्रेंड आपको फ्री फायर एप्लीकेशन को यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। और फ्रेंड ये जो एप्लीकेशन है फ्रेंड ये 600 के 700 MB की है। फ्रेंड आप जो है इस एप्लीकेशन से 600-700 MB में जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, इंस्टॉल में क्लिक कर देंगे तो फ्रेंड ये जो है एप्लीकेशन इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा और फ्रेंड कुछ देरी में इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ही आपका फ्री फायर एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाता है फ्रेंड पूरी तरह से, उसके बाद में फ्रेंड आपको एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद फ्रेंड जो भी परमिशन मांगेगा फ्रेंड आपको अलाउ करते जाना है। सारा परमिशन अलाउ करने के बाद में फ्रेंड लास्ट में आप फेसबुक या गूगल आईडी से फ्रेंड आप लॉगिन कर सकते हैं और फ्रेंड आप जो है वो गेम खेल सकते हैं। तो फ्रेंड आप इसी तरह से प्ले स्टोर से फ्रेंड फ्री फायर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं।